यदि मजाक हो रही है, इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठे करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि जो कहते वो नहीं सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कॉमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर जिस व्याख्या की गई है मंगल सूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं नीचे वाले वही बोलते हैं, तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं, आज भी परिणाम जो आएगा आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। लोगों से उम्मीद करेंगे सर आप कि आपकी बातों को सुना जाए और उसके मुताबिक वोट किया जाए और लोग भटके ना। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूंगा, मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये अपनी जगह हो तो वो तुम्हारा फल बनता, हमारी संस्कृति संस्कार है। तो ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए बैंक अकाउंट के, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में, अमेरिका जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना बहुत महत्व रखता है। अब जब वो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, तो जो वित्त मंत्री सीतारामन जी के हस्बैंड बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का है। तो इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, दो दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो। मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट लगता है कि नहीं चलेगा 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 नहीं चलेगा। 370 पार का नारा, 400 पार एनडीए का नारा वो भूल गए। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे, अगली बार 300-400 पार नारा लगाना बंद कर देंगे। पहले फेर के बाद में नारा बंद हो चुका है, अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए कि नारा चलने वाला नहीं हमारा। बस सर, तो राजस्थान की 25 सीटें पिछली बार, तो पिछले दो चुनावों में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कांग्रेस में, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है दो डिजिट में इस बार परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।